देखिए सर, कंपनी लो में लास्ट क्लास में आपने कंपनी की पहली फीचर गो थ्रू की थी, सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका मीनिंग था कि सर कानून की नजरों में, लो की नजरों में कंपनी अलग पर्सन होती है और कंपनी के मेंबर अलग पर्सन। आज अपनी दूसरी फीचर है और बेनिफिट भी है ये सर, लिमिटेड लायबिलिटी। आपको ध्यान होगा पहले लेक्चर में भी अपन इस टॉपिक पर डिटेल में बात की थी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब जितने शेयर खरीदोगे ना, बस उतने पैसे आपको कंपनी को देने हैं। बाद में फिर चाहे कंपनी कितनी भी लॉस में चली जाए, आपको कंपनी की लायबिलिटीज का पेमेंट मेंबर्स पे करने के लिए कंपलसरी नहीं है। अरे याद करो एक बार, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या रूल होता है कि यदि पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व होगी, पार्टनरशिप फर्म को कभी वाइंडिंग अप करेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को सेल करके पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज को पे करो, और फिर भी लायबिलिटी बच गई। कई बार होता है पार्टनरशिप फर्म पे कर्जा ज्यादा हो, एसेट कम हो, तो जो फर्म की लायबिलिटी फर्म की एसेट से पे नहीं हो पाती तो पार्टनर्स पर्सनली पे करते। ऐसा कंपनी के केस में नहीं है सर। कंपनी के केस में जो कंपनी का मेंबर होगा ना, उसकी लायबिलिटी है तो सही, वो कंपनी को पैसे तो देगा, लेकिन कितने देगा? जितने शेयर परचेज की है ना, उतने रुपए देगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते। मान लीजिए सर कोई कंपनी है जिसका नाम एबीसी मार्कर लिमिटेड है, ठीक है? आपको अभी इस कंपनी का मेंबर बनना था, किसी भी कंपनी का मेंबर बनना, उसके शेयर खरीद लो आप। शेयर होल्डर ही मेंबर होता है। तो आपने इस कंपनी के 10,000 शेयर परचेज किए। अकाउंट्स में पढ़ते ना कई बार की कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, तो आपने 10,000 शेयर परचेज किए एट द रेट 10 रुपीज पर शेयर, यानी 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने कंपनी की कितने शेयर खरीदे? 10,000। सर एक बात बताओ, आप शेयर होल्डर हो, कंपनी को कितने रुपए दोगे आप? अरे कितने रुपए दोगे? 1 लाख। अरे सिंपल सा है, 10,000 × 10, तो शेयर होल्डर कंपनी को कितने रुपए देगा? 1 लाख। तो जैसे अकाउंट्स में पढ़ते थे, पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी लेगी, फिर आप अलॉटमेंट मनी लेंगे, फिर फर्स्ट कॉल और लास्ट में सेकंड या फाइनल कॉल जो भी। मान लो सर कंपनी की सेकंड कॉल अभी तक कंपनी ने नहीं ली, 2 रुपए पर शेयर अभी सभी शेयर होल्डर के पेंडिंग, और भगवान ना करे इस बीच में कंपनी वाइंडिंग अप में आ गई, तो जो भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो जो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, उसको 2-2 रुपए पर शेयर के हिसाब से देंगे। और यदि शेयर फुल्ली पेड अप होते तो आप पूरी अमाउंट दे चुके होते, शेयर लिए थे उसी टाइम, तो आपको कुछ नहीं देना। तो यह कभी मत बोलना कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी होती ही नहीं है ना, होती तो है बट लिमिटेड होती है, फिक्स है। कितनी? जितने शेयर खरीदोगे और मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस, उतना पैसा आपको कंपनी को देना है। पहले पूरा दे चुके हो तो आप फ्यूचर में कुछ नहीं देना, और यदि कोई कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल बाकी है, कॉल सिनेरियर है, तो ऑब्वियसली सर आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो कंपनी के केस में मेंबर्स, चाहे कंपनी वाइंडिंग अप में आए या ना आए, चाहे कंपनी के सर पे कर्जा हो या नहीं हो, मेंबर्स आर लायबल टू पे अ लिमिटेड अमाउंट टू द कंपनी। और लिमिटेड अमाउंट कितनी है? जितने शेयर्स हैं उन शेयर की जो अनपेड अमाउंट है वो आपको पे कर, याद रख लोगे? बिल्कुल सिंपल रूल है। अरे याद रख लोगे ना? लेकिन सर कुछ ऐसी कंपनी भी होती हैं, बहुत कम होंगी जो मैं बताने जा रहा हूं, कभी शायद ही आपको देखने को मिले, कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जिनमें शेयर कैपिटल होता ही नहीं, उन कंपनीज में शेयर्स नहीं होते। अब आप बोलोगे सर फिर ऐसी कंपनी का मेंबर कैसे बनेंगे?
तो उस कंपनी का, और यदि मान लो आप मेंबर बनना चाहते हो तो आपका और उस कंपनी का एक एग्रीमेंट होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हो ना तो पार्टनरशिप डीड बनाते हो आप, और जब आप कंपनी बनाते हो तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने मुझे पूरा विश्वास है, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में MOA बोल देते हैं। सर इसमें लिखा होता है श्री कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू शेयर्स होगी, तो ये वाला पैराग्राफ। और कई कंपनीज में शेयर कैपिटल नहीं होता, उस कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है कि जो भी व्यक्ति हमारी कंपनी का मेंबर बनेगा उसको एक गारंटी अमाउंट पे करनी होगी। एक गारंटी अमाउंट होती है सर, वो पे करनी होती है, और वो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी हुई होती है। जैसे मान लो 10,000 रुपये है पर मेंबर, तो यदि आप कोई ऐसी कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो मेंबर बन जाओ। मेंबर बनते टाइम आपको एक भी रुपया नहीं देना। आप बोलोगे सर फिर ये गारंटी अमाउंट कब देंगे? जब कंपनी कभी वाइंडिंग अप में आएगी, 2 साल बाद, 20 साल बाद, 200 साल बाद, 2000 साल बाद, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में आएगी तब उस वक्त जो मेंबर्स होंगे वो गारंटी अमाउंट पे करेंगे। और लिमिटेड बाय शेयर्स होती तो सर जब शेयर खरीदोगे तब पैसे देंगे। 99% कंपनीज आपको लिमिटेड बाय शेयर्स ही मिलती है, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में आपको सच बता रहा हूं बहुत कम देखने को मिलेंगे। सर लगभग 2010 में मैं सीएस बना था, आज 14 इयर्स हो गए, मैंने भी कभी कोई प्रैक्टिकली कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को, 2-5 कंपनी छोड़ दो, बाकी मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि देखो शेयर इश्यू करने से आपके पास कंपनी के पास फंड आता है, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़े अपने शेयर इश्यू कर दो, लोगों से पैसे ले दो, गारंटी में क्या कर लोगे? तो लिमिटेड बाय गारंटी लो में है ऑप्शन। देखो कई टॉपिक अपने को ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ बुक्स में पढ़ेंगे और वहीं छोड़ देंगे, वो कभी प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेंगे आप। और कुछ टॉपिक तो सर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अपने को यूज करने को मिलेंगे, उनके अपने एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे डिस्कस करेंगे। तो कभी कोई पूछे कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी, तो आप बोलोगे लिमिटेड। फिर बोलेगा लिमिटेड कैसे कैसे, तो आप दो रास्ते बताओगे कि लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय, आप फिर पूछ रहे कि लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में जो भी कंपनी का मेंबर बनेगा ही विल पे एन अमाउंट टू द कंपनी इक्वल टू द शेयर कैपिटल अमाउंट, जितने शेयर्स उसने लिए उतने अमाउंट वो पे करेगा। और कंपनी शेयर कैपिटल के अमाउंट आपसे कभी भी कॉल कर सकती है, ड्यूरिंग लाइफ भी और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप भी कर सकती है। कोई प्रॉब्लम? अरे ऐसा लग रहा हो कि कोई टॉपिक समझ में आ रहा है, अरे ऐसी गलत फहमी हो कि समझ में आ रहा है? ठीक है, अरे वाह गलत फहमी है। और लिमिटेड बाय गारंटी के केस में गारंटी अमाउंट जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी होगी वो अमाउंट मेंबर कंपनी को पे करेगा ओनली वाइंडिंग अप के दौरान, उससे पहले कभी नहीं। तो चलिए पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाता हूं कि अ कंपनी मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स और मे बी लिमिटेड बाय गारंटी। आगे लिखा है यदि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितने शेयर मेंबर ने लिए हैं उन शेयर्स की अनपेड वैल्यू के बराबर। एक एग्जांपल भी दिया है कि कोई कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और उसने फेस वैल्यू पे शेयर इश्यू किए, एक मेंबर 6 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है, यानी एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी दे चुका है, कितने रुपए पर शेयर बाकी हैं? मैक्सिमम 4 रुपए कंपनी और कॉल कर सकती, इससे ज्यादा अमाउंट कंपनी कॉल नहीं कर सकती।
ये चाहे ड्यूरिंग लाइफ कर ले या वाइंडिंग अप महंगे तब तो कॉल करेंगे। हाँ सर पूछिए आप ही। नहीं कभी नहीं आती। एक बात हमेशा याद रखना, बोनस शेयर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू होते, उसमें कभी कोई लायबिलिटी नहीं है। बोनस शेयर हमेशा कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है फ्री ऑफ कॉस्ट देती। कि आपके पास पहले से 5 शेयर हैं, कंपनी में अच्छा प्रॉफिट है, तो कंपनी प्रॉफिट को ही कैपिटल में रख करके और उतने एक 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 दो 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 शेयर आपको फ्री में देती। बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं बाय डिफॉल्ट, बिना पैसे दिए ही। बोनस शेयर में कभी पैसे नहीं देते। दूसरा आश्रय, यदि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो लिमिटेड बाय गारंटी के केस में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी उस अमाउंट तक जो कि मेंबर ने अंडरटेक की है, प्रॉमिस की है कंपनी के एसेट्स को देने के लिए जब कंपनी वाइंडिंग अप में आएगी, और यह अमाउंट को अपन गारंटी अमाउंट बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। एक बात और ध्यान से सुनो सर, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, देखो अपन कंपैरिजन करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। पार्टनरशिप फर्म और उसमें दो ही पार्टनर हैं, वैसे आपको ध्यान है मिनिमम दो ही पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, और भगवान ना करे एक की डेथ हो गई तो तब वो अकेला पार्टनर फर्म नहीं चला सकता, कंपल्सरी फर्म का डिसोल्यूशन होगा। या एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो सिंगल पार्टनर की फर्म हो ही नहीं सकती सर, फर्म डिसोल्व हो जाएगी। सर यदि कंपनी में मान लो 2 शेयर होल्डर हो और भगवान ना करे एक की या दोनों की डेथ हो गई तो कंपनी की डेथ नहीं होती। आपने पढ़ा है ना कंपनी सेपरेट पर्सन है, कंपनी के मेंबर्स मे कम मे गो, मेंबर्स कीप चेंजिंग, मेंबर्स तो रोजाना बदलते रहते हैं। अरे जिन कंपनीज के शेयर्स अपन स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीदते बेचते हैं सर, जो कल शेयर होल्डर थे आज नहीं होंगे, सुबह 9:15 से लेकर के दोपहर में 3:30 तक लोग शेयर खरीदते बेचते हैं ना, रोजाना शेयर होल्डर बदलते हैं उनके, तो रोजाना छोड़ो शायद जो 9:15 पे है वो 9:20 पे नहीं है। तो मेंबर्स मे कम मेंबर्स मे गो बट कंपनी गोज फॉरएवर। मेंबर्स की लाइफ का कंपनी की लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स मरे जिए आए जाए कुछ भी करे। अब आप बोलोगे सर कोई शेयर होल्डर की डेथ होगी फिर उसके शेयर्स का क्या होगा? सर तो शेयर्स तो प्रॉपर्टी है, उस शेयर होल्डर के हिसाब से सोचो आप। मानिए आज आपके पास 10,000 रुपीज की सेविंग है, तो या तो आप बैंक में जमा कराओ, नहीं तो आजकल आप क्या करते हो आप शेयर खरीद लेते हो, तो शेयर होल्डर के लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना। अरे शेयर होल्डर के लिए तो शेयर प्रॉपर्टी है, चलो शेयर होल्डर की डेथ हो भी गई तो उसकी फैमिली को मिल जाएगा, उसकी फैमिली विल बिकम शेयर होल्डर, बट कंपनी गोज फॉर एवर। मेंबर के आने जाने से, मेंबर के मरने या जीने से सर कंपनी पर कोई फर्क नहीं। पार्टनरशिप फर्म नहीं है ये, करे यार पार्टनर्स की डेथ हो गई तो पार्टनर्स की डेथ होती तो फर्म डिसोल्व होगी फिर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है कि 2 पार्टनर थे दोनों की डेथ हो गई तो चलो फैमिली ऑटोमेटिक पार्टनर बन जाए ना, कंपल्सरी है फर्म डिसोल्व होगी फिर नई फर्म बना सकते। बट कंपनी मेंबर की डेथ होने से कंपनी कभी वाइंडिंग अप नहीं हुआ करती। अरे आप खुद सोचिए सर, टाटा ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है, रिलायंस तो चलो फिर भी 1970s में आया है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस ग्रुप की पुरानी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1973 में बनी थी, धीरू भाई अंबानी जी इनके फाउंडर थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है ना, लेकिन रिलायंस तो है। सर टाटा स्टील बहुत पुरानी कंपनी है, टाटा स्टील शायद 1905 या 6 की होगी, 100 साल से भी ऊपर का समय हुआ है।
तो जो इन टाटा ग्रुप का पुराने से पुराने जो फाउंडर्स थे, शायद जीआरडी टाटा साहब जमशेदपुर, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप तो है। मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। इसीलिए तो सर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ना आपको। आप चाहते हो कि आने वाली जनरेशन को एज इट इज बिजनेस सौंप करके जाओ, उनको नए सिरे से स्टार्ट ना करना पड़े। सर आप कंपनी बना करके बिजनेस, गुडविल क्रिएट होगी तो आने वाली जनरेशन तक वो गुडविल कंटिन्यू चलती रहेगी। टाटा ग्रुप को आज देख लो, आप 100 साल से भी ऊपर हो गया, 1905 में स्थापना हुई है और आज आप 2024 में यहां पर लो, 120 साल होने आ गई तक। ऐसे बिरला ग्रुप है, विप्रो है, अजीज प्रेम जी साहब, तो ये बहुत पुराने पुराने ग्रुप है जिन्होंने भारत का उस समय से मार्केट को ये लोग देख। आइए पढ़ते हैं, यही नेक्स्ट फीचर है सर, परपेचुअल सक्सेस। परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है सर? जिस चीज का कोई एंड ना हो, यू नो अनलिमिटेड। परपेचुअल मीन्स विच इज परमानेंट, जिसका कोई अंत है ही नहीं, वो परपेचुअल। और सक्सेशन मीन्स एक तरह से लाइफ राइट्स आपके। तो कंपनी के अनलिमिटेड लाइफ, ए कंपनी वंस इनकॉर्पोरेटेड नेवर डाइज, हाँ एक्सेप्ट व्हेन इट इज वाउंड। वाइंडिंग अप कर दोगे तो कंपनी डेथ, बाकी कंपनी की कभी डेथ नहीं होती सर। कंपनी के मेंबरशिप चेंज हो सकती है बट इससे कंपनी की कंटिन्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। आगे लिखा भी है कि द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी मे कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि कंपनी के मेंबरशिप बदलती रहती है। मेंबर तो रोजाना बदलते रहते हैं, डेथ के कारण या शेयर बेच दिए किसी ने, कोई नए बंदे ने खरीद लिए, बट सर उसे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कई बार नहीं सुनते कि सेक्स वाई जेड पर्सन ने अपनी कंपनी किसी और को बेच दी तो नया बंदा शेयर होल्डर बन गया, बट कंपनी कंटिन्यू है। कई बार कोई कंपनी बेच, जैसे इन दिनों खबर आ रही है, अभी वो फाइनल नहीं हुई होगी डील, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने मूवीज और ये एपिसोड्स सीरीज देखते रहते हैं, तो एक था डिस्ने प्लस हॉटस्टार, फिर आया जियो सिनेमा। अब जियो सिनेमा के आने से जियो सिनेमा ने क्या किया, आते ही फ्री कर दिया, क्रिकेट मैच फ्री, आईपीएल फ्री, शायद 29 रुपीज पर मंथ, और खूब सारे मैच के अलावा भी एपिसोड्स फ्री में। अब डिस्ने प्लस हॉटस्टार क्या करे, उसका सब्सक्रिप्शन कौन लेगा फिर? तो धीरे धीरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आनी है। अब बात चल रही है कि वो उसको टेक ओवर कर दे। और जैसे गूगल पे नाम सुना होगा आपने, फोन पे नाम सुना, और यूज भी करने होंगे नो डाउट, पेटीएम भी यूज करते हैं अपन, आने वाले समय में जियो पे आ रहा है। लास्ट मंथ उसका अभी वो टेस्ट मोड पे चल रहा है जियो पे की ऐप, लेकिन जैसे ही वो 1-2 महीने में कुछ कमियां वो ठीक कर लेंगे और जियो पे लॉन्च। तो ये पेटीएम और फोन पे और गूगल पे, इनको दिक्कत आएगी फिर, क्योंकि जब जियो पे आएगा सर, रिलायंस का एक स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है, पहले लोगों को आदत डालो कम कीमत की या फ्री की। 2016 में आप देखो, आप इंटरनेट सेक्टर में कितना एक तरह से रिवोल्यूशन हुआ, 6 महीने तक कितना ही डेटा यूज करो 4G, और वो भी फ्री में, और नहीं तो अपन 2 GB 1 महीने का लेते थे। हो सकता आपको ध्यान नहीं होगा, आप स्कूल लाइफ में थे उस टाइम, बच्चे थे आप लोग, हम रिचार्ज कराते थे, 1 महीने का 2 GB डेटा मिलता था 198 रुपीज, तो लगभग फोन का डेटा ऑफ रखते थे, कुछ अर्जेंट होता था तो ऑन करके वापिस ऑफ करते थे। आज 2 GB डेली मिल रहा है, और अब एडिक्शन इतना हो गया सर, अभी छूट नहीं सकता। स्टार्टिंग में 90 रुपए का रिचार्ज हुआ, फिर 200 का हुआ, वो 1.5 GB वाला, फिर 666 रुपीज का हुआ, और अब शायद 3 तारीख से
और बढ़ा दिया होगा, 750-800 रुपए कर दिए। और कभी होता है ना कि एक दिन के लिए इंटरनेट बंद, कोई दिन एग्जाम होता उस दिन इंटरनेट बंद, तो ऐसे जग सुना सुना नहीं लगता भाई। अब चलो वाईफाई एक अलग बात है, पर मान लो 2 मिनट के लिए घर पे वाईफाई भी बंद हो जाए तो उस दिन लगता, अच्छा यार घर में इतने लोग हैं क्या? फिर घर वालों से बात हो, आप भी यही रहते हो क्या? उस दिन लग से खाना नहीं खाता पूरे दिन, क्योंकि कुछ बच्चे खाना फोन के साथ ही खाते हैं, होता है ना छोटे बच्चों को खाना खिलाना हो तो पहले कार्टून चला के दो, फिर वो कार्टून देखते रहेंगे। ये रिवोल्यूशन से ये चलते रहते हैं। तो कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई ना, तो कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स, इंप्लॉय चेंज होते रहेंगे, बट कंपनी कभी कंपनी के लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे एक प्रोफेसर ने तो यहां तक लिख दिया था, ये प्रोफेसर के अकॉर्डिंग, कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। और एक केस हुआ था मीट सप्लाईज गिल्डफोर्ड लिमिटेड में, इसमें जज ने पता क्या कहा कि यदि आप कंपनी की बिल्डिंग पर बॉम्ब भी गिरा दोगे ना, मान लो कोई XYZ कंपनी का ऑफिस है कहीं पर और सारा स्टाफ, डायरेक्टर, उसके इंप्लॉयज, सारे शेयर होल्डर वहीं बैठे थे, मीटिंग चल रही थी कोई, और यदि वहां बॉम्ब भी गिरा दिया, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई, सब लोग मर गए ना, कंपनी फिर भी जिंदा है, क्योंकि कंपनी नेवर डाइज। जो मर गए उनके जो फैमिली वाले हैं वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, बट कंपनी फिर भी रिकॉर्ड्स में कंपनी जिंदा रहेगी। कंपनी की लाइफ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइफ। तो जितने भी पुराने ग्रुप हैं आपके सामने हैं सर, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे बिरला ग्रुप हो, चाहे महिंद्रा ग्रुप हो, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, और भी आप पिरामल ग्रुप हो और विप्रो हो, इतने ग्रुप हैं सर, शायद इनकी लाइफ 60-70 साल से ज्यादा है। जो इनके फाउंडर्स थे वो आज इस दुनिया में नहीं होंगे, नेक्स्ट जनरेशन या उससे नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस को संभाल रही है, लेकिन कंपनी गोज फॉर एवर। ये पार्टनरशिप फर्म में पॉसिबल नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में दो ही पार्टनर हो और भगवान ना करे एक की भी डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्व होना चाहिए, कंपनी के केस में ऐसा नहीं। नेक्स्ट, हाँ मोहित पूछो। देखो वाउंड अप वाली लाइन में ये लिखा कि कंपनी को यदि कभी बंद करना भी है ना तो वाइंडिंग अप के थ्रू कर सकते। अच्छी चलती हुई कंपनी को भी आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमें नहीं बिजनेस करना, हम तो हमारा बिजनेस बंद करके और बस ऐसे घर पे बैठेंगे या कोई और बिजनेस करेंगे, ये नहीं करना, तो आप लिक्विडेटर अपॉइंट करो, जो आपके एसेट्स उनको एक एक करके सेल करो और जो पैसा है उससे अपना लाइबिलिटीज को पे करो, बच जाए तो शेयर होल्डर को दे, और फिर पूरी रिपोर्ट बना करके आप आरओसी को सबमिट करो, तो आरओसी फिर आपकी कंपनी को अपने रिकॉर्ड से हटा देगा और डेथ सर्टिफिकेट दे देगा, यानी डिजोल्यूशन ऑर्डर। हाँ, फिर कंपनी खत्म, बाकी मेंबर के आने जाने से कंपनी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। दूसरा सर, सेपरेट प्रॉपर्टी, ये अपन ने कल सेपरेट लीगल एंटिटी वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। सर कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। सर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खुद एक पर्सन है, अंबानी फैमिली या शेयर होल्डर अलग है। यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोई नई फैक्ट्री लगानी हो, जमीन खरीदनी पड़ेगी, तो जमीन किसके नाम से खरीदेंगे? सर रिलायंस कंपनी के नाम से। कोई मशीन खरीदनी है, रिलायंस कंपनी खुद के नाम से खरीदेगी, ना कि कोई डायरेक्टर या शेयर होल्डर के नाम से। और आपने ध्यान से कभी देखा होगा सर, इंश्योरेंस करवाते हैं अपन लोग, जैसे अपने घर में 2-व्हीलर 4-व्हीलर इंश्योरेंस करवाते हैं, इवनली आजकल तो आप अपने मोबाइल और लैपटॉप का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। जैसे आप आईफोन 15-16 जो भी है प्रो मैक्स सुपर मोबाइल लेके आए जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए, और सर भगवान ना करे हाथ से छूट गया तो, कहीं खो गया तो, टूट गया तो सर आप इंश्योरेंस करवा के रखो। अरे जब गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हो तो आप मोबाइल का भी करवा सकते हो। हाँ, वो प्रीमियम तो लेगी इंश्योरेंस कंपनी, बट यदि कभी टूट गया, फूट गया, खो गया तो पैसे वापस मिल जाएंगे।
तो सर एक बात बताओ, यदि कोई कंपनी प्रॉपर्टी के नाम, सॉरी कोई प्रॉपर्टी कंपनी के नाम है तो इंश्योरेंस भी कौन करवाएगा? कंपनी करवाएगी। सिंपल रूल याद रखो, जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है उसी के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। घर पे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, यदि टू व्हीलर फोर व्हीलर मम्मी के नाम से है, पापा के नाम से है, भैया के नाम से है या बहन के नाम से है, सर जिसके नाम से व्हीकल है उसी के नाम से उस व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी बनकर के आएगी। प्रीमियम आप पे कर दो लेकिन पॉलिसी पे नाम जिसकी गाड़ी है, जिस गाड़ी का इंश्योरेंस है, वो टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी, तो उसी जो गाड़ी का ओनर है उसी के पास इंश्योरेंस करवाने का राइट। आप प्रॉपर्टी कंपनी के नाम है तो ऐसा नहीं हुआ कि इंश्योरेंस पॉलिसी डायरेक्टर के नाम से आ जाएगी, शेयर होल्डर के नाम से आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। आइए रीड आउट करते हैं। क्या कंपनी इज ए लीगल पर्सन? बिल्कुल सर, कल पढ़ा था कि कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है। एंड क्योंकि कंपनी के खुद की एक पर्सनैलिटी है तो इट इज केपेबल, कंपनी इतनी योग्य है ऑफ ऑनिंग कि अपने नाम से ऑन कर सकती है, इंजॉय कर सकती है और डिस्पोज ऑफ यानी ट्रांसफर कर सकती है। क्या चीज? प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन है तो कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती है और सर जब पुरानी हो जाएगी तो स्क्रैप हो जाएगा तो बेच भी सकती है। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब होता है कोई चीज को ट्रांसफर कर देना। अब पुराना कोई सामान हो जाता है घर पे अपन बेचते ही, तो कंपनी के केस में भी सर को पुरानी मशीन हो गई नई लेकर के आनी तो पुरानी मशीन को स्क्रैप मान करके बेचते ही है ना, तो कंपनी बेच भी सकती है। कोई भी मेंबर, नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। कोई भी मेंबर यह नहीं कह सकता कि मैं कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर हूं, कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर कंपनी खुद है। हां, आप कंपनी के ओनर हो सकते हैं। आज मुकेश अंबानी जी ये कह सकते हैं कि मैं रिलायंस का ओनर हूं, बट रिलायंस की एसेट का ओनर रिलायंस खुद है, क्योंकि रिलायंस खुद एक पर्सन है सर, और कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से है। चाहे आपके पास 100% शेयर्स भी है ना तो भी आप कंपनी के ओनर जरूर हो, आप कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो। और इंश्योरेंस का राइट भी उन्हीं के पास है जिनके पास ओनरशिप होती है, याद रख लेंगे। अरे देवी देवताओं याद रख लोगे क्या? सर एक बात बताओ, अपन बार बार एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और अब तो शायद प्रैक्टिकली आप लोग भी इतना समझने लग गए कि कंपनी एक पर्सन है। सर आज मान लो, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा जॉइंट वेंचर करते हैं, दो या तीन कंपनी मिलकर के कोई प्रोजेक्ट पे काम करती, कई बार किसी दूसरी कंपनी के साथ अपनी और कोई डील होनी है। आपको ध्यान हो 2014 तक, 10 साल होने आ गई अब तो, हीरो होंडा दोनों एक ही कंपनी थी, टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो जैसे आप स्प्लेंडर या जो आज हीरो की बाइक देखते हो ना, ये पहले हीरो होंडा दोनों के नाम से आती। चलो फोर व्हीलर में बताता हूं आपको, फोर व्हीलर में भी एक जॉइंट वेंचर था, नहीं वो तो अभी भी है, मारुति सुजुकी तो आज भी है, नहीं नहीं स्विफ्ट डिजायर तो उनका प्रोडक्ट है, अब है नहीं, वो खत्म हो गया था, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। एक कंपनी आई थी, अभी भी है वो कंपनी, रेनो, आप रेनोल्ट बोलते होंगे, आर ई, एक मिनट मैंने पेन सेलेक्ट किया, कलर ही चल रहा है, हाँ रेनोल्ट, जिसकी डस्टर गाड़ी आई थी, अभी भी उनकी गाड़ियां आती हैं, क्विड आती है और भी कोई एक दो मॉडल होंगे, वो थोड़ा सा कम चलने लग गए। जब रेनो ने भारत में एंट्री की थी ना तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली नहीं की थी, इन्होंने महिंद्रा के साथ एक मॉडल निकाला था, सिडान गाड़ी आती थी, ज्यादातर टैक्सी में यूज हुई हो, लोगान, एल ओ जी ए एन करके इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला, तो इनको लगा होगा कि यार इंडियन मार्केट में पोटेंशियलिटी तो है, तो फिर आपने इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट लेकर के आए। फिएट करके गाड़ी आती थी, अब बंद हो गई फिएट, बाद में जब फिएट भारत छोड़ करके गई तो उन्होंने जो गाड़ियां बेची उनकी सर्विस कौन करे अब, तो फिर उन्होंने टाटा के साथ टाई अप किया। फोर्ड अभी शायद 2 साल पहले ही गया भारत से, फोर्ड तो आप लोगों ने भी जरूर मॉडल्स देखे होंगे,
तो उन्होंने लास्ट में शायद महिंद्रा को या कोई दूसरे ग्रुप को वो अपना सर्विस वाला पार्ट दे करके गए। तो ये जो डील्स होती हैं, जब कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, तो साइन कौन करेगा भाई? कंपनी के तो हाथ पांव होते नहीं, तो कंपनी के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट साइन होंगे ना, तो नॉर्मली कंपनी के डायरेक्टर साइन करेंगे। लेकिन सर ये एक चीज लॉ में कंपलसरी पहले थी, अब तो हटा दी, कि वहां कंपनी की सील लगी होनी चाहिए। तो कंपनी का जो तो सिग्नेचर होता है ना, उसको बोलते हैं कॉमन सील। कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ कंपनी। जब भी ऐसा कोई बड़ा एग्रीमेंट बनता था तो कंपनी की कॉमन सील लगाते थे। ना 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 ना, ये रबर स्टाम्प नहीं होती है। अरे जो नॉर्मली रबर स्टाम्प देखते हैं ना अपन, वो इंक वाली, ब्लू कलर वाली, वो इंक में लगा करके और पेपर पे चिपका के, वो तो रबर स्टाम्प है। वो नहीं, रबर स्टाम्प तो आप बनवा लो किसी कंपनी के नाम से। रबर स्टाम्प नहीं होती सर, कॉमन सील में इंक होती ही नहीं, इंक नहीं होती है। अब आप सोच रहे होगे, सर एक बात बताओ, आप इंक नहीं होती तो फिर वो पेपर पे छपेगी कैसे? स्टेपलर देखा है ना आपने, ये स्टेपलर की तरह राउंड होती थी, इसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे स्टेपलर में भी दो पार्ट होते हैं, कहीं स्टेपल करना होता तो पेज बीच में रखो और जोर से दबा दो, स्टेपल हो जाते हैं वो पेजेस। ऐसे कॉमन सील में भी दो पार्ट होते हैं, राउंड बिल्कुल, और उन पर कंपनी का नाम खुदा हुआ होता है अंदर की तरफ, इंग्रेव्ड होता है। और जैसे ही उन दो पार्ट के बीच में आप पेपर को रख के जोर से दबाओगे, तो कंपनी का नाम उस पेपर पे खुद जाएगा, इंक नहीं है वो। उस पेपर को आप ऐसे देखोगे ना, तो वो कंपनी का नाम ऐसे राउंड में लिखा दिखाई दे, या पेपर पे ऐसे हाथ से ऐसे प्रेस करोगे तो लगेगा, फील होगा कि कुछ लिखा हुआ है, इंक नहीं होती। कंपनी का नाम उस पेपर पे इंग्रेव्ड होता है। जैसे घर पे अपन गिलास पे, थाली पे, कटोरी पे नाम लिखवा लेते हैं, वो इंक होती है क्या? वो सेम वैसे ही कॉमन सील। मैं आपको दिखाता हूं कॉमन सील, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, तो कॉमन सील वाला मैं आपको रीड आउट करवाता हूं सर। अब ये कॉमन सील कंपलसरी नहीं है। अब आप सोचोगे सर फिर अब कंपनी कैसे डील होती होंगी? तो सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर साइन कर दो, और कंपनी के जो रबर स्टाम्प है ना उसको भी मान लेते हैं। ये 29 मई 2015 को अमेंडमेंट हुआ था, लगभग आज 9 साल हो गई सर। अब कॉमन सील रखो तो रखो, चाहे मत रखो, आप कंपलसरी नहीं है सर। तो कॉमन सील कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है, क्योंकि कंपनी की खुद की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए कंपनी अपने डायरेक्टर या एजेंट्स के थ्रू ही काम करती है, तो कॉमन सील लगना कंपलसरी है। कॉमन सील की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, कंपनी का नाम कॉमन सील पे इंग्रेव्ड होता है। रबर स्टाम्प कॉमन सील नहीं होती, वो अलग होती है। और किसी डॉक्यूमेंट पर यदि कॉमन सील लगी नहीं होगी तो नॉर्मली वो डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड नहीं होता। बट सर ये चीजें अब इतनी नहीं रही, अब लॉ में थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। आजकल तो सर ऑनलाइन आप ऑर्डर दो, कॉमन सील आपके एड्रेस पे बन के आ जाती है। सर जब हमने सीएस किया था, 2010 में मेरा सीएस हुआ था, तब कॉमन सील रखना भी कंपलसरी था। तो हमने एक दो कंपनी इनकॉर्पोरेट की तो कॉमन सील बनवानी पड़ती थी, और आप विश्वास नहीं करोगे सर, इसको हर कोई बना के नहीं देता। अब ऐसा नहीं कि सर कोई भी लोहे का काम करता उसके पास चले जाएंगे। आपको ध्यान है लोग सबसे ज्यादा कहां बनते हैं? घर के जो लोग लगाते हैं ना अपन, जैसे कुछ शहर फेमस है, जैसे आगरा पेठा है तो आगरा में मिलेगा, आता ना एक्स वाई चिड़ू उस शहर की अच्छी। अब ऐसे अलग अलग आता ना, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग टी, नो नागपुर ऑरेंज, आसाम टी, जयपुर के जैसे गारमेंट्स फेमस हैं, कुर्ती रिजाइयां और ये सब। तो ऐसे लोग कहाँ के फेमस हैं? लोग है उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज वहीं पर ही थी। और कॉमन सील भी आप विश्वास नहीं करेंगे, ज्यादातर अलीगढ़ से बन के आते। यहां पर भी लोकली किसी से बात करते तो वो बोलता सर कुछ टाइम दो, अपन उसको ऑर्डर देते, वो आगे अलीगढ़ ऑर्डर देता, अलीगढ़ से फिर बन करके आते। अब तो ऑनलाइन हो गई, अभी अपने देखा ये सब ऑनलाइन इमेजेस थी, और भेजना कुछ नहीं, कंपनी का नाम भेज दो, फिक्स है, कोई डिजाइन इसमें होगा नहीं, राउंड ही बन के आनी है।
डिजाइन बनवाना है नहीं, कंपनी का नाम और आपके शहर का नाम, बस लगभग 15 से 20 दिन में आपके एड्रेस पे आ जाती है। और कितना प्राइस दिखाया था? वो 1,000 रुपये, कहीं 800 दिखाया, कहीं 1,000, ये लगभग, वो सिर्फ उसका फर्क हो जाएगा मेटल का, बाकी लगभग यही रेंज है, 700 से लेकर के 1,500 के बीच में मिल जाता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ कंपनी का नाम, ये सील लगेगी, सील लगा करके फिर आप साइन करोगे जो कंपनी का डायरेक्टर, बाकी सील पर किसी ऑफिसर के साइन नहीं होते। नहीं तो कंपनी के डायरेक्टर, मान लो किसी कंपनी में सीएस नहीं हो, तो देखो सीएस उन्हीं कंपनीज में मिलेगा आपको जिनका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, तो जो छोटी कंपनी उनमें सीएस होता ही नहीं, तो ओनली डायरेक्टर, ठीक है ना। तो आज की इस कथा को मैं यही विराम देता हूं, और कल फिर अपन आगे और रीड आउट करेंगे। थैंक यू।